क्या आप भी गायों का एक डेयरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं तथा आप कंफ्यूज हुए कि मुझे मेरे डेयरी फार्म से कितनी कमाई होगी? तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक गाय से कितनी कमाई होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप फिर अपने डेयरी फार्म पर कितनी गायों का डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आप उस कमाई को अपनी गायों से गुणा कर देवे कितनी गाय है तो आपको आपके डेयरी फार्म की कमाई निकल जाएगी। आज हम गाय की होलिस्टन नस्ल, जो कि गाय की एक विदेशी नस्ल है, उसके कुल कितनी कमाई होती है उसके बारे में बात करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं ये खड़ी गाय, ये होलिस्टन नस्ल की गाय है। ये आजकल डेयरी फार्म पर सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहने वाली गाय है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, इसलिए ज़्यादातर डेयरी फार्म पर इसका ही प्रयोग किया जाता है तथा ये सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली नस्ल है। इसलिए हम इस वीडियो में होलिस्टन नस्ल की गाय से एक महीने या एक साल में कितनी कमाई होती है उसके बारे में कैलकुलेशन निकालेंगे। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको एक गाय से कितनी कमाई होती है उसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक गाय पर कुल कितना खर्च आता है तथा उसके बाद हम बात करेंगे कि एक गाय से कितनी कमाई होती है तथा हम कुल कमाई में से खर्चे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी कि हमें एक गाय से कितनी नेट इनकम होती है। हम खेती से संबंधित तथा पशुपालन से संबंधित बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देवे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक गाय का एक महीने का खर्च कितना होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में हमें एक दिन का खर्च निकालना होगा कि एक दिन का एक गाय का कितना खर्च होता है। सबसे पहले खर्च की बात करें फीड यानी कि दाना। दाने में हम गेहूँ का दलिया, मक्की का दलिया, जौ का दलिया, खली इत्यादि देते हैं। तो दाने का कैलकुलेशन में मैं पहले एक किलो की आपको खर्च बताता हूँ। एक किलो का हम 30 से 40 रुपए के बीच में खर्च आता है। हम 40 रुपए जोड़ेंगे कि एक किलो का 40 रुपए किलो हमें फीड मिलता है। और अगर आपकी गाय एक होलिस्टन नस्ल की गाय है, जो पीछे आप देख सकते हैं ये होलिस्टन नस्ल की गाय है, ये दूध गायों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये प्रतिदिन कम से कम 20 लीटर दूध दे सकती है और एक टाइम का 10 लीटर दे सकती है आराम से। इससे ज़्यादा भी दे रही है बहुत सारी जगह, लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा क्योंकि बहुत सारी जगह पशुपालक इतना अच्छा मेंटेन नहीं रख पाते तो 10 से 20 लीटर दूध दे देती है। एक टाइम का 10 लीटर देगी, दोनों टाइम का 20 लीटर देगी। तो अगर कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है होलिस्टन नस्ल की, तो आपको 7 किलो उसको फीड खिलाना है। भैंसों में आधा खिलाते हैं, गायों में 3 लीटर दूध पर 1 किलो फीड खिलाते हैं। तो आपको 7 किलो फीड प्रतिदिन खिलाना है। तो 7 किलो फीड को अगर हम 40 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 रुपये का खर्च एक दिन का आएगा एक गाय का। अब दूसरी बात करते हैं सूखे चारे का। सूखा चारा 5 रुपये किलो आता है लगभग। बहुत सारे मेरे पिछले भैंस वाले वीडियो पे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि 5 रुपये किलो सूखा चारा कौन देगा। तो मैं सूखे चारे की बात तब कर रहा हूँ जब सूखे चारे का सीज़न होता है, उस टाइम आपको स्टोरेज करना है पूरे साल का, क्योंकि आप तभी मुनाफा कमा सकते हो जब सूखे चारे को समय पर खरीदोगे तथा पूरे साल का स्टोरेज करोगे। आप बाद में लोगे तो उसके बाद में रेटें बहुत बढ़ जाती है, आपको 10 से 15 रुपए किलो मिलता है, उसमें आपको मुनाफा नहीं होगा। सूखा चारा आपको प्रति गाय एक दिन का 10 किलो खिलाना है, तो 50 रुपये प्रतिदिन का सूखे चारे का खर्च आएगा। अब बात करते हैं हरे चारे के बारे में। एक गाय को प्रतिदिन 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा की रेट होती है 2 से 3 रुपये प्रति किलो। इसलिए मेरे भैंस वाले वीडियो पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि 2 से 3 रुपये किलो हरा चारा कौन देगा। मैंने मेरे खुद के खेत पर हरा चारा लगा रखा है तथा मेरा हरा चारा 2 से 3 रुपये किलो ही मार्केट में जा रहा है तथा मैं डेयरी फार्म पर सप्लाई करता हूँ और 2 या 3 रुपये किलो ही मेरा हरा चारा जाता है। हरा चारा 2 या 3 रुपये से आसानी से मिल जाता है। वैसे तो आपको अपना डेयरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं तो आपको अपने खुद के खेत पर हरा चारा लगाना है, तो भी मैं 2 या 3 रुपये किलो कैलकुलेशन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उसको काट के लाने के लिए आपको लेबर का खर्च भी लगेगा तथा आप अपने खेत पूरा खेत वहाँ में हरा चारा लगा रहे हो तो आपका खेत भी वहाँ लग रहा है। यानी कि अगर आप वहाँ सूखा हरा चारा नहीं लगाते तो उसकी जगह आपको दूसरी फसल लगाते तो उससे इनकम होती है। इसलिए हम 2 या 3 रुपए किलो हम हरे चारे की रेट जोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि हरे चारे से कितना खर्च होगा। तो प्रतिदिन आपको 20 किलो हरा चारा खिलाना है तथा हरा चारा 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 60 रुपये प्रतिदिन का हरे चारे का खर्च आएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि लेबर का खर्च कितना आएगा। लेबर का खर्च प्रतिदिन 50 रुपये प्रति पशु आएगा। अगर आप अपने डेयरी फार्म पर 10 पशु रखते हैं तो उस पर क्या होगा कि आपका औसत लेबर खर्च कम आएगा। अगर आपके पास कम पशु है तो औसत लेबर खर्च ज़्यादा आएगा। तो
आप खुद कर रहे हैं तो उसमें लेबर खर्च नहीं जुड़ेगा, लेकिन तो भी आप अपना खुद का समय दे रहे हैं तो उसमें हम लेबर खर्च जोड़ेंगे। या लेबर रख रहे हैं तो 50 रुपये प्रति पशु लेबर खर्च जोड़ते हैं। लेबर खर्च के बाद में बात करते हैं कि अन्य खर्च, जैसे आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर खिला रहे हैं, आटे में नमक डाल रहे हैं, या अन्य छोटे मोटे बीमारी या अन्य खर्च भी आते रहते हैं, तो 50 रुपये प्रतिदिन हम अन्य खर्च जोड़ रहे हैं। अब इन सारे खर्चों को हम जोड़ते हैं तो प्रतिदिन का हमारा खर्च आता है 490 रुपये। और अगर 490 रुपये को एक महीने का अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो एक महीने का कुल खर्च आता है 14,700 रुपये। तो एक गाय से एक महीने का 14,700 रुपये खर्च होता है। अब हम बात करेंगे कि एक गाय से एक महीने में कमाई कितनी होती है। एक गाय अगर प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती है तथा 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध जाता है तो प्रतिदिन का 800 रुपये का दूध होगा। और अगर इसको प्रति महीने का कैलकुलेशन निकाले तो 24,000 रुपये का एक महीने का दूध होगा। इसमें से एक महीने का हमारा खर्च हुआ था 14,700 रुपये का। तो 24,000 में से 14,700 माइनस करेंगे तो 9,300 रुपये का हमारे कुल कमाई होगी। मोटा मोटा आप एक महीने में एक गाय से 10,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप अपने डेयरी फार्म 10 गायों का शुरू करने जा रहे हैं तो आप 10 गायों से प्रति महीना 10,000 के हिसाब से 10 गायों से आप प्रति महीना 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप एक गाय से 20,000-30,000 रुपये महीने के कमा लोगे, तो आप किसी के बहकावे में ना आए तथा वास्तविकता को जानकर ही डेयरी फार्म शुरू करें। क्योंकि अगर आप वास्तविकता को जाने बिना अगर डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आपको शायद नुकसान हो सकता है। आप इन सारी चीज़ों का पहले कैलकुलेशन निकाल ले हुए फिर डेयरी फार्म शुरू करें। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे हुए ताकि आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी तथ्यपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।